दिव्यांग सरकारी विद्यालय में सबके साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण कर सके, इसी उद्देश्य से राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 10 जिलों से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के करीबन 40 प्रधानाचार्य भाग ले रहे हैं, जिनको अनुभवी रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यशाला में प्रथम दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल एबिलिटी शिमला के प्रधानाचार्य मायाराम ने दिव्यांग बच्चों की बेहतर शिक्षा के गुर सिखाए। उन्होंने कार्यशाला में दिव्यांग के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर तनेंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि SERT में 2 दिवसीय IEDAS कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया। इसमें प्रदेश भर के 10 जिलों के करीब 40 स्कूलों के प्रिंसिपल भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य स्कूल में दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। आज 2 दिन की ये वर्कशॉप रखी गई है प्रिंसिपल्स के लिए। 10 डिस्ट्रिक्ट से हमने बुलाए हैं 7 प्रिंसिपल, तो इनका मुख्य जो विषय है, मेन टॉपिक है, दैट इज ऑन IEDAS, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना है ऐसे टीचर्स को। तो इसमें हमने रिसोर्स पर्सन स्पेशलिस्ट बुलाए हैं, तो किस तरह से दिव्यांग बच्चों को समायोजित करना है नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल क्लासरूम में। अभी तक ये कॉन्सेप्ट था कि ऐसे बच्चों को हम स्पेशल स्कूल में भेज देते थे, लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के साथ जो है समायोजित करना है। नॉर्मल क्लासरूम में एक दिव्यांग बच्चा जो है वो एजुकेशन ले, अपने आप को सोसाइटी में समाज में अलग थलग ना समझे और वो अपने आप को एक समाज का हिस्सा। आपको बता दें कि दिव्यांग सरकारी विद्यालय में सबके साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण कर सके, इसी उद्देश्य से राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 10 जिलों से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के करीबन 40 प्रधानाचार्य भाग ले रहे हैं, जिनको अनुभवी रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, K चैनल, सोलन।